बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब कुछ तुम भूलो मगर माँ बाप को तुम मत भूलना। लाख उनके उपकार हैं ये बात तुम कभी मत भूलना। हमारे साथ रिद्धि गौड़ जी हैं, ये अस्थियों का विसर्जन करके लौट रहे हैं। जिन अस्थियों को उनके बच्चे भूल गए थे, अपने माँ बाप की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया था, आज रिद्धि गौड़ जी हमारे साथ हैं और बताएंगे। आज हम लोगों ने करीब 11 अस्थि कलश, यहाँ क्रियाघर है, हम लोग कौंडल्य आश्रम कुड़ियाघाट पर बैठे हैं, यहाँ रखे हुए थे। करीब 2 से 2.5 साल हो गए, लोग उठाने नहीं आए, विसर्जन करने नहीं आए, जबकि हिंदू शास्त्रों में मान्यता ये है कि 10 दिन के अंदर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। परंतु आज 2-2.5 साल हो गए, हमने परसों भी सोशल मीडिया पर भी चलाया था, अखबारों में भी दिया कि कोई अगर जानकार हो तो आकर के, कोई आया नहीं। तो फिर आज हम लोगों ने विधि विधान से पूजन कर करके उनको, अस्थियों का पूजन होता है, इसमें दूध दही और गंगा जल से स्नान कराया जाता है, रोली चंदन धूप नैवेद्य और भोग लगा करके अभी हम लोगों ने उनका विधि विधान से आदि गंगा माँ गोमती के आंचल में यहाँ पे विसर्जन किया। सर, क्या महत्व है अस्थियों विसर्जन का हमारे हिंदू धर्म में? हिंदू शास्त्र में यही है कि हम लोग जब कपाल करते हैं अंतिम संस्कार के समय, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग फूल चुनते हैं, फूल मतलब अस्थियों को चुनते हैं, उनका गंगा में ही विसर्जन होना चाहिए, आदि गंगा में आज किया हम लोगों ने। उसका महत्व है कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उनके फूल और अस्थियों का विसर्जन कर दिया जाता है। अभी ये बेचारे 2-2.5 साल से मोक्ष का इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा इनका परिवार वाला वो करेगा, उसमें गोत्र का भी नाम होता है। अब गोत्र तो हम लोगों ने माना नहीं, तो फिर पता नहीं था, तो हम लोगों को अमुक गोत्र से उसका विसर्जन कर दिया और प्रार्थना करी भगवान विष्णु से कि इनको सबको मोक्ष प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। जब सोशल मीडिया पे आपने मैसेज डाला, इन्फॉर्मेशन डाली, तो कुछ लोग आए अपनी अस्थियां ले जाने के लिए? अब पहले तो मैंने गिनी दी तो करीब 13 या 14 थी, 2 फूल कम थे, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा, तो मैंने पूछा तो बोले कुछ 2 लोग वहाँ कुछ कर रहे थे, हो सकता है परम ले गए हों या उसमें कुछ पैकेट में कुछ और रखा हो, तो जानकारी नहीं, पर 2 पैकेट 3 दिन में कम हुए। तो अच्छा, जैसे दूसरों के हाथ से अस्थियों का विसर्जन करने से क्या उनको वही शांति प्राप्त होती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि हम लोगों ने विधि विधान से किया है पूरा पूजन पाठ, जो जो होता है परंपरागत, चाहे आप बिठूर में करिए या हरिद्वार में करिए या इलाहाबाद में संगम में करिए, जो पूजन का विधान होता है कि बालू से हम लोगों ने उनका आसन बनाया, आपने देखा होगा, फूल थे, नैवेद्य था, पेड़े का भोग लगाया, उनका गंगा जल दूध से स्नान कराया, तो जैसे विधि विधान से होता है, आचार्य जी ने, पंडित महेश शर्मा जी ने, हम लोग शुभ संस्कार समिति की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों के साथ कृष्णानंद राय जी, आशीष अग्रवाल जी, लल्लू गुरु, पशुपति, अमित चोपड़ा आदि और लंकेश जी आए थे, हम लोग सब वहाँ से उठा कर लाए, विधि विधान से पूजन करके अभी उनका विसर्जन किया है। इसकी हालत देख सकते हैं, इसमें अस्थि कलश रखा हुआ था, कितना जर्जर हो चुका है, कितना पुराना है, वहाँ पे जाले लग गए थे, तो उन लोगों को जालों को साफ करके उनको निकाल करके विधि विधान से पूजन करके। सर, जब अस्थि विसर्जन करने आते हैं तो कुछ पेपर्स एंड फॉर्म फिलिंग्स भी किए जाते हैं, तो क्या उससे डिटेल्स कहीं मिसप्लेस तो नहीं हुई है? नहीं, यहाँ एक्चुअली वो परंपरा नहीं थी, अब आगे भविष्य में वो परंपरा चालू करी जाएगी कि यहाँ पे जो भी अस्थि कलश रखने आए उसके डिटेल्स हो, उसका नाम हो, और उनको अवेयर भी किया जाए, बोर्ड लगाया जाए कि 1 महीने तक आपकी अस्थि कलश यहाँ पे रखी जाएंगी, 1 महीने में अगर आप नहीं आते हैं तो उसका विधि विधान से समिति द्वारा विसर्जन कर दिया जाएगा। तो अब वो सिस्टम बनाया जाए, अब बना दिया गया है। देख सकते हैं कि जहाँ माँ बाप ही बच्चों के भगवान होते हैं, उनका सब कुछ होते हैं, आज वो बच्चों ने 2 साल से अपने माता पिता की अस्थियाँ यहाँ से ले जाना भी ज़रूरी नहीं समझा। देख सकते हैं कितने दुख की बात है, ये हमारे आज के बच्चे हैं जो अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, और आज इस संगठन के सहयोग से उनके माता पिताओं की अस्थियों को विसर्जित किया गया और उनकी आत्मा को भगवान करे शांति मिले। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ संवेदना शुक्ला, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।